दोस्तों आज मैं आप लोगों को इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग और इंडियन कम्यूटर्स की एक बहुत ही फेवरेट बाइक हीरो एचएफ डीलक्स 2020 BS6 मॉडल दिखाने वाला हूं। और आज जो कलर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये ब्लैक विद ग्रे कलर है। और इससे पहले मैं इसका दो अलग अलग BS6 में जो नए कलर्स आए हैं उसका रिव्यू दिया था, तो आप जाके मेरे वीडियो के पूरे वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जैसे कि टेक्नो ब्लू और एक ग्रीन कलर। और आज ये जो कलर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये कम्यूटर्स में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और हीरो एचएफ डीलक्स कम्यूटर सेगमेंट में हीरो को एस्टैब्लिश करने में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल का एक और नया एपिसोड, एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। और दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूं रिद्धि हीरो आंदुल हावड़ा में, और अगर आप हावड़ा या कोलकाता से हैं तो आप ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस गाड़ी को लेने के लिए। और अगर आप पहली बार ये चैनल में हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल कीजिए, और हमारे साथ हमारे सारे लेटेस्ट कंटेंट में सबसे पहले बने रहिए। तो दोस्तों कम्यूटर्स की ये जो फेवरेट बाइक रहा है ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन पर बना हुआ है। बेसिक जो यहाँ पे डिज़ाइन है बेसिक टेक्नोलॉजी में ही ये इस गाड़ी को बनाया गया है। तो इसमें अभी आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बिना i3s मिलेगा, इसमें एक किक स्टार्ट मॉडल आता है और एक सिर्फ आपको किक स्टार्ट का ही मॉडल आता है। तो तीन अलग अलग यहाँ पे मॉडल्स आता है। तो प्राइस यहाँ पे लगभग 57,000 से लेकर 59,000 रुपीज़ एक शोरूम कोलकाता है। BS4 से लगभग 8,000 रुपीज़ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इंजन की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पहले जैसे ही सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 100cc का यहाँ पे इंजन है, एक्चुअली 97.2cc का इंजन है। और यहाँ पे अभी एक्सेंस FI टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है, यानी कि कार्बोरेटर सेटअप को हटाकर यहाँ पे FI टेक्नोलॉजी आ चुका है, BS6 कंप्लायंट हो चुका है। पावर लगभग 0.34 BHP पहले से कम हुआ है, तो पावर अभी कुल मिला के आपको 7.9 BHP मिलेगा। टॉर्क मिलेगा 8.05 न्यूटन मीटर्स पहले जैसा ही। सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही है, और किक स्टार्ट होना इंडियन कम्यूटर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और नीचे आप एग्जॉस्ट पाइप पर इसकी एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर को देख पाएंगे, तो आप साफ समझ पाएंगे कि ये BS6 मॉडल है। और ये जो यूटिलिटी बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पे पावर स्टार्ट और FI की बैजिंग दिया गया है। नेक्स्ट अगर चेंजेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बॉडी ग्राफिक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है। बॉडी ग्राफिक्स अब पहले के मुकाबले थोड़ा सा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया गया है। साइड पैनल्स में टैंक के ऊपर आपको बॉडी ग्राफिक्स और स्टिकर्स जो है इसमें बदलाव नोटिस होंगे। और यहाँ पे आगे की तरफ जो विंडशील्ड है इसके ऊपर हीरो की एक 3D एम्ब्लेम मिलेगा जो कि अब नया है। और इंजन मैलफंक्शन लाइट मीटर कंसोल में ऐड करी गई है जो कि BS6 में होना मैंडेटरी है। अब इसके अलावा अगर हम चेंजेस की बात करें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 100 ml बढ़ा है, और जो यहाँ पे साइलेंसर है और इसके ऊपर जो क्रोम कवर है उसका डिज़ाइन को कम्प्लीटली चेंज करके थोड़ा सा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्पोर्टी दिया गया है। अब ये जो साइलेंसर है ये बिल्कुल नया यूनिट है, और इसके ऊपर जो क्रोम की जो पट्टी आता है ये भी बिल्कुल नया है। एक फिश टेल काइंड ऑफ एग्जॉस्ट डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थे इसके चेंजेस, और प्राइसिंग के हिसाब से जो मॉडल्स के हिसाब से एक्चुअली वेरिएंट के हिसाब से इसका जो प्राइस है ये ऊपर नीचे होता रहेगा। 57,000 से लेकर 59,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस कोलकाता, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। हेडलाइट डिज़ाइन आप देख सकते हैं, हैलोजन टाइप हेडलैम्प है, फुल्ली यहाँ पे हैलोजन बल्ब सेटअप ही मिलेगा। इंडिकेटर्स भी नॉर्मल है, और बहुत ही कम्यूटर फ्रेंडली यहाँ पे आपको हैंडल बार मिल जाएगा। यू शेप टाइप हैंडल बार है, एवरेज क्वालिटी यहाँ पे स्विच गियर है, बहुत हाई फाई क्वालिटी का यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आप 9.6 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको मिल जाएगा। सीट की अगर बात करें दोस्तों, तो कम्यूटर फ्रेंडली गाड़ी है, बिल्कुल ही कम्यूटर्स की बात सोचकर, हर दिन चलाने के लिए और फैमिली के बात सोचकर ही इस गाड़ी को बनाया गया है। तो 805 mm का यहाँ पे सीट हाइट है जो कि ठीक ठाक एक्सेसिबल हाइट है इंडियन हाइटेड राइडर्स के लिए, और बहुत ही लंबा और स्पेशियस सीट है। आप इजीली यहाँ पे बैठ पाएंगे, राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही कंफर्टेबल है। पीछे की अगर बात करें तो बैक लैंप जो क्लस्टर है ये भी एक बहुत ही सोबर और सिंपलिस्टिक डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है। इंडिकेटर्स यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टूटने का खतरा रहता है। और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का ग्लॉसी ग्रैब हैंडल पीछे की तरफ मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो वेट है ये 112 kg का है, और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है, जो कि ठीक ठाक है, हल्की गाड़ी है। और आप इसको 60 के अंदर ही चलाएं तो आप इससे एक बहुत ही अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस पा सकते हैं, और गाड़ी ओवर रेव नहीं होगा। और आपको लगभग यहाँ पे 65 से लेकर 70 तक का माइलेज मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक कि अगर आप हाईवेज में चलाते हैं तो 70 के ऊपर भी मिल सकता है। और यहाँ पे एक कम्यूटर फ्रेंडली हील एंड टो गियर शिफ्टर दिया गया है, 4 गियर सिस्टम इसमें आता है। और इंजन में आपको TOD यानी कि टॉर्क ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी आता है, तो थ्रू आउट द रेव रेंज आपको अच्छा खासा टॉर्क यहाँ से मिलता रहेगा।
इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें गाड़ी की ओवरऑल लुक्स की, तो लुक्स में डिजाइन में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है, बस छोटे मोटे कॉस्मेटिक और एक दो मैकेनिकल चेंजेस यहाँ पे करी गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों सस्पेंशन की, तो आगे की तरफ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और दोनों ही तरफ आपको यहाँ पे 18 इंच के ट्यूब टाइप टायर्स मिलेंगे। ये एक थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगा है क्योंकि अभी तक यहाँ पे ट्यूब टाइप टायर्स है, लेकिन ये कम बजट की गाड़ी है तो ट्यूबलेस यहाँ पे इन लोग देना ज़रूरी नहीं समझा है। और पीछे की तरफ आपको हाइड्रोलिक स्विंग आर्म सस्पेंशन मिल जाएगा जो कि टू स्टेप एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा जो कि बेसिकली कॉम्बी ब्रेक सिस्टम ही है। यहाँ पे दो अलग अलग ब्रेक वायर्स का यूज़ होता है। दोनों ही तरफ आपको 2/75-18 साइज के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे डिस्क ब्रेक का कोई भी ऑप्शन नहीं है, दोनों ही तरफ आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों टायर की जो ट्रेड पैटर्न है ये बिल्कुल ही सिटी फोकस ट्रेड पैटर्न है। थोड़े बहुत आप इसको ऑफ रोड पर भी चला सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो ये सिटी के अंदर ही चलाने के लिए इस टाइप की गाड़ियों को बनाया गया है। और जो लोग फैमिली में राइड करते, जो लोग एक कम बजट में एक अच्छा गाड़ी चाहते हैं, हीरो की एक कोई गाड़ी चाहते हैं जहाँ पे आपको सारे नेसेसरी चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, तो आप लोगों के लिए HF Deluxe एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और इंडिया में ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी है क्योंकि कम पैसों में आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करें तो लगभग यहाँ पे 80 से लेकर 85 तक का आपको इसका टॉप स्पीड मिल जाएंगे, लेकिन कम्फर्ट जोन 40-50 ही है, आप उसी के अंदर ही इस गाड़ी को चलाएँ, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और बात करें दोस्तों अगर हम इसकी मेंटेनेंस की और सर्विस की, तो बहुत ही यहाँ पे लो मेंटेनेंस गाड़ी है, लो मेंटेनेंस पैकेज है। इसके जो स्पेयर पार्ट्स है बहुत ही सस्ते मिलते हैं और टेक्नोलॉजी भी ऐसा ही है कि इंडिया की किसी भी एरिया पे आप इसको चेक करा सकते हैं किसी भी मैकेनिक के पास, और हीरो की स्पेयर पार्ट्स लगभग सारी जगहों पर अवेलेबल मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो कलर है गाड़ी है आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज राइड सेफ।